कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित राजधानी लखनऊ व प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया। कांग्रेस जनों द्वारा इस अवसर पर कई जगहों पर भंडारा, हवन, पूजन, फल वितरण, भोजन वितरण एवं शरबत वितरण कर राहुल गांधी के दीर्घ आयु होने की कामना की गई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णकांत पांडे ने बताया कि राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर हजरतगंज स्थित हनुमान मंदिर के बगल में कांग्रेस जनों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी द्वारा प्रसाद वितरण कर भंडारे का शुभारंभ किया गया तथा पूर्व मंत्री एवं प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, प्रदेश महासचिव प्रशासन प्रभारी दिनेश सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, वेद प्रकाश त्रिपाठी, वीरेंद्र मदान, मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल, राजेश जायसवाल, मुकेश सिंह चौहान, रमेश मिश्रा, अमरनाथ अग्रवाल, प्रमोद सिंह, पंकज तिवारी, सचिन रावत, सलोनी केसरवानी, संजय सिंह, सिद्धि, नरेंद्र शुक्ला, विजेंद्र सिंह, सुशीला शर्मा, ब्रजेश सिंह, अमित श्रीवास्तव, विभा त्रिपाठी सहित तमाम कांग्रेस जनों द्वारा प्रसाद का वितरण किया गया। ये बेसिकली उनके उनकी शुभकामनाएं उनको देने के लिए है राहुल जी को, और वो दीर्घायु हो और पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही आगे करते रहे, ये हमारी कामना है। तैयारियां तो बहुत जोरों शोरों से हो रही है, लोग हम लोग संगठित हो रहे हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं और एक से दो, दो से चार वो भी बढ़ोतरी होती चली जा रही है। मैं तमाम भारतवासियों को एक ऐसे नेता के जन्मदिन के उपलक्ष पर शुभकामनाएं देना चाहूँगी जो एक रियल योद्धा है, और वो हैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष में आप जैसा कि देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हम लोग सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उनके इस खुशी में सब लोग शामिल हैं, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टी ने उनकी सदस्यता छीन कर, उन्होंने तो सोचा उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी जंग वहीं जीत ली है। तो सबसे पहले राहुल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और तमाम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, हम जैसे कार्यकर्ता उनकी लंबी उम्र की दुआ करेंगे और चाहेंगे कि आगे भी ऐसे मौका मिले जहाँ पर हम लोग उनके नाम को रोशन करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में और आगे भी तमाम चुनाव में हम अपने कांग्रेस पार्टी का झंडा गाड़ के रहेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। चैनल देशप्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।